हैबिट चैलेंज का ये आखिरी दिन है, आज न्यू ईयर है, तो हैप्पी न्यू ईयर। हमने पूरी 20 दिन का यात्रा किया है अपने न्यू ईयर को अच्छा बनाने के लिए, तो क्यों ना हमारा पूरा ईयर अच्छा बना रहे, क्यों ना हमारा पूरा ईयर इंस्पायरिंग बना रहे, उसके लिए हम एक स्टोरी सुनते हैं। एक बार 15 सोल्जर्स के टीम अपने मेजर ऑफिसर के साथ एक मिशन पे जा रही होती है, और वहाँ पे इतनी ठंड होती है, स्नोफॉल होता है जो कि बहुत अनकंफर्टेबल होता है, और वहाँ पे वो जो 15 लोग हैं वो सिर्फ एक कप ऑफ टी, एक चाय का कप चाहते हैं, ताकि वो अपनी एनर्जी को फिर से रिगेन कर सके, ताकि वो फिर से अपने मिशन पर जा सके। भगवान ने उनकी सुन ली है और उन्हें टी शॉप दिखाई देती है। इतने रिमोट एरिया पे टी शॉप देखकर सारे जो 15 सोल्जर्स हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अनलकीली उस टी शॉप पे लॉक लगा होता है, जो कि मेजर ऑफिसर को दुविधा में डाल देता है। और मेजर ऑफिसर सोचता है कि मैं डिसिप्लिन इसको कैसे तोड़ूं, लेकिन 15 सोल्जर्स की टीम को देखकर, उनकी एनर्जी को देखकर वो हाँ बोल देता है, और उन्होंने उस लॉक को तोड़ा और अंदर गए। वहाँ पे उन्हें बिस्किट्स के पैकेट और चाय का सारा सामान मिल जाता है, और वो चाय बनाते हैं और अपना इंजॉय करते हैं। और फिर जब वो निकल रहे होते हैं तो मेजर ऑफिसर अपनी गिल्ट से रिलीव होने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ थाउजेंड्स के नोट वहाँ पे रखे शुगर कंटेनर के नीचे रख के चले जाते हैं और फिर से उसे लॉक कर देते हैं। और वो जब 3-4 महीनों के बाद जब उनकी टीम को रिप्लेस किया जाता है, वो अपने मिशन से वापस आ रहे होते हैं, तो उन्होंने देखा कि वो टी शॉप उस दिन सुबह सुबह खुली थी। वो अंदर जाते हैं, चाय के लिए ऑर्डर करते हैं और बैठ जाते हैं। वो वहाँ पे जो टी शॉप पे जो अंकल है, बाबा, बूढ़े बाबा हैं, उनसे उनकी बातचीत चल रही होती है, वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। जो बूढ़े बाबा हैं उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि भगवान के साथ का उनका एक्सपीरियंस, भगवान कैसे हेल्प कर रहा है, और इस तरीके से वो अपनी बातें सुनाता रहता है। इतने में उन 15 सोल्जर्स की टीम से एक सोल्जर ने कमेंट किया कि अगर आपका भगवान से इतना अच्छा कनेक्शन है, अगर भगवान इतना ही सुनता है, इतना ही आपको चाहता है, तो आप इतने रिमोट एरिया पर, इतने पिछड़े एरिया पर अपनी शॉप को लेकर क्यों बैठे हैं? आपके पास तो कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं है, आप इतनी भगवान की बातें क्यों करते हैं? ये सुनकर वो बूढ़े बाबा कहते हैं, नहीं साहब, नहीं, आप ऐसे नहीं कहिए, भगवान सच में हेल्प करता है। 3-4 महीने पहले मेरा बेटा, जो कि टेररिस्ट से पूरी तरह पीटा गया, कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जो कि इंफॉर्मेशन उसके पास थी भी नहीं, तो मेरे को उसे हॉस्पिटल ले के जाना पड़ा, और हॉस्पिटल में कुछ उन्होंने पैसे मांगे, मेरे पास एक रुपया भी नहीं था। मैंने लोगों से हेल्प के लिए बोला तो लोगों ने मेरी हेल्प भी नहीं करी उन टेररिस्ट के डर से। फिर मैं अपनी शॉप पर आया और शॉप पर भगवान ने खुद आकर उस शुगर कंटेनर के नीचे पैसे रख कर चला गया, और उन पैसों से मैंने अपने बेटे का इलाज कराया। आप बताइए, क्या भगवान नहीं है? ये सुनकर वो सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, और उन्होंने अपने मेजर ऑफिसर की आंखों से ये ऑर्डर ले लिया होता है कि अभी कुछ नहीं बोलना, चुप रहना है। ये सुनकर मेजर ऑफिसर उठते हैं और उसे अपना पेमेंट करते हैं और कहते हैं कि हाँ बाबा, हम मानते हैं भगवान है, और आप जो कह रहे हैं वो सही है। और ये कहते वक्त मेजर ऑफिसर की आंखों में पानी थे, जो कि 15 सोल्जर्स ने भी नोटिस किया था। तो इस तरह जब हम कंपैशन के पाथ पे चलते हैं, हम काइंडनेस के पाथ पे चलते हैं, हम वैल्यूज़ के पाथ पे चलते हैं, हम सत्यता के पाथ पे चलते हैं, तो हम अपने आप ही भगवान के मैसेंजर बन जाते हैं। इस दुनिया में हम देखें तो आज भगवान के मैसेंजर, वैल्यूज़ के मैसेंजर बनने की बहुत आवश्यकता है। तो क्यों ना हम अपना पूरा साल, जब
खुद हम इन बुराइयों से, बुरी हैबिट्स से छूट चुके हैं, तो हम ऑटोमेटिकली मैसेंजर बन जाएंगे अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए कि हाँ वो कैसे बुराइयों से छूटे। तो आशा करते हैं आप अपना पूरा साल बहुत हंसी खुशी बिताएंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। ओम शांति।